पूर्वी जिला पुलिस ने गाय काटने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग गाय के मांस को बेचने के लिए मौका देखकर सड़क पर रहने वाली गाय को सुनसान जगह पर ले जाकर काट दिया करता था। गिरफ्तारी के समय इन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर दी थी, जिसमें एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया था। इनके पास से दो मांस काटने वाले चॉपर और वारदात में इस्तेमाल एक होंडा सिटी कार बरामद की गई है। 23-24 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 4 बजे के आसपास थाना पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र का पुलिस स्टाफ हेड कांस्टेबल नवीन कुमार व कांस्टेबल जोगिंदर गाजीपुर गांव डीसीपी ऑफिस कट के पास पिकेट ड्यूटी पर थे। तभी एक बाइक सवार ने उन्हें सूचना दी कि नियर रेड लाइट टालको टी पॉइंट के पास कुछ अनजान लोग गाय को काट रहे हैं। हेड कांस्टेबल नवीन कुमार व कांस्टेबल जोगिंदर तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही 3-4 सस्पिशियस लड़के सड़क किनारे खड़ी सफेद रंग की सेडान कार में सवार होकर भागने लगे। पुलिस स्टाफ ने बाइक से उनकी कार को रोकने का प्रयास किया। सस्पिशियस लड़कों ने कार से बाइक को टक्कर मारी और भागने लगे। हेड कांस्टेबल नवीन कुमार घायल हो गए। कांस्टेबल जोगिंदर कार का पीछा करने लगे। इसी दौरान एक आरोपित ने दोनों पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। कांस्टेबल जोगिंदर को सीने के दाहिने हिस्से में गोली लगी और आरोपी व्यक्ति मौके से फरार हो गए। तुरंत ही हेड कांस्टेबल नवीन ने गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल जोगिंदर को इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जानकारी अपने थाने में दी। हेड कांस्टेबल नवीन के बयान पर थाना मधु विहार में FIR संख्या 377/21 अंडर सेक्शन 307/186 353/332 429/34 IPC और 27 आर्म्स एक्ट 11.1L पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। फरार अपराधियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए दो टीमों का गठन किया गया। इंस्पेक्टर सतीश कुमार SHO मधु विहार के नेतृत्व में मधु विहार थाना की एक टीम बनाई गई। दूसरी टीम स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में SI KK शर्मा व SI अरविंद की बनाई गई। टीमों ने मुखबिरों का जाल बिछाया। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों पर नजर रखी जाने लगी। जांच टीमों ने एकत्र किए सुराग और एक इनपुट के आधार पर 26 अक्टूबर को गाजीपुर के पास एक जाल बिछाया और एक आरोपी को दबोच लिया। हालांकि अन्य आरोपित मौके से फरार होने में सफल रहे। पकड़े गए आरोपी की पहचान 23 वर्षीय फैजान उर्फ निवासी ग्राम फुलवार डेरासराय संभल उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी की होंडा सिटी कार से तलाशी के दौरान दो मांस काटने वाले चॉपर्स भी मिले। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी 28 वर्षीय जुनैद उर्फ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपी व्यक्ति करदमपुरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किराए के मकान में रह रहे थे। आरोपियों ने आगे बताया कि वारदात वाले दिन उन्होंने अपनी होंडा सिटी कार नंबर DL4CAH3496 में खिचड़ीपुर से एक गाय को उठाया और गाय को काटने के लिए सुनसान जगह खोजने लगे। उन्हें नाला पटरी नियर टेल्को टी पॉइंट के पास एक सुनसान जगह दिखाई दी और गाय को काटने लगे, तभी अचानक पुलिस टीम मौके पर आ गई। पुलिस वालों को देखकर वो भागने लगे, जिसमें आरोपी जुनैद ने हेड कांस्टेबल नवीन की बाइक को टक्कर मार दी और फैजान उर्फ ने पुलिस कर्मियों पर गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम को गिरफ्तार आरोपियों का कोर्ट से 2 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गया है तथा बाकी आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो 23-24 अक्टूबर की इंटरवीनिंग नाइट में सुबह 4 बजे के करीब एक काउ स्लॉटरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। हमारी वहां पर पिकेट पर एक हेड कांस्टेबल नवीन और होमगार्ड जोगिंदर पोस्टेड थे PIA की तरफ से, और उन्हें एक बाइक से सवार दो लोगों ने आकर बताया और उन्होंने बाखूबी से अलर्टनेस दिखाते हुए उनको जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी होंडा सिटी जो गाड़ी है उससे उनको टक्कर दी, वो गिरे, और जब उन्होंने उनका पीछा किया तो उन्होंने फायर भी खोली और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे होमगार्ड को भी इसमें गोली लग गई। ही इज आउट ऑफ डेंजर, बट ऑन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हम लोगों ने तुरंत एक केस रजिस्टर किया और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया, और इसमें जब तफ्तीशी की है उसमें 2 टीम्स बनाई गई, जिसमें से एक टीम हमारी स्पेशल स्टाफ की बनी और एक हमारी लोकल पुलिस की टीम की। बखूबी उन्होंने एज यू नो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखाया और 26 रात को जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने ये फैजान एलियस कबूतर एलियस गतुआ जो हैं उनको पकड़ा। ये संभल UP के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 23 साल की है और इन्हीं की कार जो कि सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क।
क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहें हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।